सो गाइज एज यू नो सर्किट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर ले लिया आउटपुट वोल्टेज को चेक करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितना आउटपुट वोल्टेज आ रहा है हमारे सर्किट में से। सो इनपुट के लिए मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ, 12 वोल्ट 5 एम्पियर का पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। सो एज यू कैन सी कि आउटपुट में 4.85 वोल्ट आ रहा है, ऑलमोस्ट 5 वोल्ट आ रहा है कह सकते हैं। इस सर्किट को आप ऐसे सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कि आपके पास 7805 वोल्टेज रेगुलेटर अवेलेबल नहीं है, इंस्टेंट ऑफ 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने वोल्टमीटर कनेक्ट कर लिया है, अब इसका मैं एम्पियर टेस्ट करूँगा कि कितना एम्पियर तक का ये लोड उठा लेता है। सो आई डोंट नो व्हाई मैंने मोटर लगाया, उसके बाद भी यहाँ पर कोई करंट शो नहीं कर रहा था। आई थिंक मेरे वोल्टमीटर में प्रॉब्लम नहीं, तो 60 मिली एम्पियर तक का करंट लोड तो इसमें दिखाना चाहिए था, बट कोई नहीं, मैंने मोटर हटा दिया, फिर अलग से इसमें बैटरी लगाया और मैंने शॉर्ट सर्किट किया, तो यहाँ पर मैक्स 2 एम्पियर तक का लोड उठाया इसने और 1 एम्पियर का नॉर्मल लोड उठाया। और फिर जब मैं इसे शॉर्ट सर्किट कराता था, बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं देखो एक बार ट्रांजिस्टर को छू के, ट्रांजिस्टर को छू के देखा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था, मैं टच नहीं कर पा रहा था। सो ये सर्किट परफेक्ट है अगर आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हो, 1 एम्पियर तक का लोड देना चाहते हो, सो ये सर्किट परफेक्ट है। तो या मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर से बताना।